जिंदगी गुजर गई शीतड़े टाकते टाकते। खुदकुशी कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है और तुम्हें मेरी मौत से हमदर्दी है तो ये स्टूल खिसका दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बाकी तुम क्या संभाल लोगे? इस रस्सी का कनेक्शन तुम्हारी गर्दन से है, लटकोगे तो सीधा स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। यहाँ का कानून जो पाताल लोक में पहुंचा देगा। देखो संभाल लोगे बस। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी तमाम प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगा। माफ करना, मैं मुर्दों से खैरात नहीं लिया करता। मैं तेरे को मुर्दा दिखता हूँ? लटकने के बाद तो हो ही जाओगे मुर्दे। यानी कि तुम ये स्टूल नहीं खिसकाओगे? बिल्कुल नहीं। एक काम करो। अरे फिर काम करो। ये रस्सी मैं गले में डाल लेता हूँ, तुम मुझे खिसका दो। अरे यार ये कैसा आदमी है? तुम आत्महत्या करने आए हो या मेरे हाथों हत्या करवाने आए हो? ये तो सोचने वाला पॉइंट है। तो बैठ के सोचो। हाँ भाई, तो सोचने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूँ। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त? तुमने मुझे दोस्त कहा? हाँ। मगर तुम मेरे दोस्ती के लायक नहीं हो। हाँ? क्योंकि दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त को हर काम में कंपनी दे, उसका साथ दे। मतलब? अगर तुम मेरे साथ फांसी लटकने को तैयार हो तो ही मैं तुमको अपना दोस्त समझूंगा। वाह, क्या दोस्ती का इम्तिहान है। चलिए मैं लटकने को तैयार हूँ, मगर दोस्त को लटकाने वाला भी दोस्त नहीं हुआ करता है मेरे दोस्त। अरे वाह, तुम कमाल की बातें करते हो यार। तुम काम क्या करते हो? मैं बस वो फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूँ, धागे से लपेटता हूँ और कपड़ों को सिया करता हूँ। बहुत जमेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे भी एक लपेटने वाले की सख्त जरूरत थी। हाँ। क्या है, मैं फेंकता हूँ बहुत। अच्छा, बड़ा आदमी हो ना। हाँ वो तो जाहिर है। तो जितनी भी आइंदा से बकवास किया करूँ, जो भी एंड फंड शंड पका करूँ, जो भी बात किया करूँ, तुम उसका रफू कर देना। मगर ये खुदकुशी? कैंसर। अरे मुबारक हो। उठो। चलो उठो मियां। दोस्त ये मेरा घर है, आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे। बड़ा शानदार घर है, ऐसा घर हमने अपने बचपने में बाइस्कोप में देखा था। क्या यार, ये घर मैंने अपनी जवानी में बनाया है और तुम कह रहे हो कि तुमने अपने बचपने में देखा था। अब ठोकने की भी कोई हद होती है मियां। नहीं, वैसे कुछ हमारी उम्र ज्यादा नहीं है, ये तो खाना नहीं खाया ना तो भूखमरी की वजह से ऐसी हालत हो गई है। अरे यार क्या करें? आओ सीधे चलो, सीधे सीधे। बाबूलाल! अरे शेर जी! जी मालिक। आया मालिक। मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त आए, इनकी खातिर करो। खाना तैयार है? खाना तैयार है जी हाँ। दो हो गए। खाने से पहले एक पैक लार्ज स्मॉल। नहीं नहीं, मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। नहीं पीना, नहीं मैं नहीं। खाना खाना। अच्छा। मालिक इस तरफ, इधर आइए। इस तरफ आइए। आ जाओ मेरे गरीब दोस्त, इधर से आ जाओ। आ जाओ, इधर से नहीं। मेरे दोस्त हो ना, कूदो। नहीं, मैं वहां से आता हूँ ना। पपी ले लूं? नहीं पपी नहीं, मैं आता हूँ। पपी नहीं, इतनी पपी तो मेरी माँ ने भी नहीं ली थी। चलो ये चिकन, ये लो मेरे गरीब दोस्त, ये लो। एक बार रसमलाई खाओ, थोड़ी सी मेरे हाथ से। चिकन मीठा हो गया, दाल भी होगी। दाल एक मिनट, ये रसमलाई के चम्मच में दाल पियो, बहुत अच्छा रहेगा दोस्त। अंडा खाओगे? वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़। चिकन अच्छा है। नहीं, अंडा खाओ। ये चाटो केक। अभी जूस पियो, जूस पियो। अभी एक मिनट, एक मिनट। चिकन लूं? एक मिनट, एक मिनट। ये काय के लिए? ये टेबल मैनर्स बोलते हैं इसको। अच्छा, चिकन खाऊं? नूडल्स, यू मस्ट हैव नूडल्स। ये घास? घास नहीं है वो, नूडल्स। मेरे गरीब दोस्त तू नूडल्स ले। खराब है। खराब है? थोड़ा और खाओ, टेस्ट डेवलप करो, टेस्ट डेवलप करो। रोटी ये इसको उठा के खाओ, ऐसा उठा के खाओ। बरसात के केचुए लग रहे हैं। केला है? ये खाना हजम होने के लिए केला। ये एक मिनट, मैं थोड़ा और देना खाने को। You must take this. अरे वो मुंह पोंछने के लिए, हाथ धोने के लिए था। क्या करता है? कुछ होएगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट साफ हो जाएगा सवेरे सवेरे। मेरे गरीब दोस्त ये कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। बस भर गया ना? नहीं, कसम से नहीं। ईमान से भर गया ना? भर गया? हाँ भर गया। क्या कहाँ? मेरे कमरे में मेरे दोस्त। मैं जाता हूँ ना मेरे घर। हमारे यहाँ आप आए, हमारे यहाँ आप सोएंगे। आपने आइए, हमारे ऊपर से जाओ। ये जान बचाइए, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। आओ। हम यहाँ सोएंगे। यहाँ सोएंगे। यहाँ कहा मेरे दोस्त? मैं तुम्हें इससे भी ऊंची जगह पे सुलाऊं। नहीं नहीं, वहां से हम गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये जगह अच्छी, हम यहीं सो जाते हैं। यहाँ सो जाते हैं ना। कपड़े उतारो। नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं? ढंग के कपड़े पहन के सो मेरे भाई। ओ नहीं, उसमें हमें नींद नहीं आएगी। दरअसल क्या है, हम अपने चमड़े में जीते हैं और अपने कपड़े में सोते हैं। नहायत ही खुददार, नमक हलाल और लावारिस टाइप के आदमी हो मेरे दोस्त। चलो सो जाओ मिस्टर नटवर लाल, जब सवेरे उठोगे तो मुकद्दर के सिकंदर बन के उठना। गुड नाइट, शब खैर। आप कहाँ सो रहे हैं? तेरे कदमों में मेरे यार। तो शब खैर। केपी की जान बचाई है कोई। चलो सो जाओ। उफ, अरे बाप रे, इतना सर दर्द क्यों हो रहा है यार? अब यार मैं नीचे किस हो गया? उफ, ये बदबू क्यों आ रही है बिस्तर में से? अरे किसने? बाबूलाल आया साहब। क्षेत्र आया साहब। कौन है भिखारी टाइप आदमी? सर आपके दोस्त है, आप ही रात को लाए थे। हमारे दोस्त? और ये? यस सर। निकालो इसको, बाहर निकालो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, चलो बाहर निकलो। रात को जब नशे में था मुझे चाट रहे थे, अभी होश में आते मुझे डांट रहे हो। वहाँ क्या बकवास कर रहे हो? चाट रहे थे। अरे मैं निकालो इसको, मैंने आपकी जान बचाई है। भाई निकालो इसको। अरे क्या तमीज है, बेवड़ा आदमी। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा लेता है। चलो निकालो। आदमी है साले। मेरे दोस्त, अरे मेरे यार, मेरे गरीब दोस्त। अरे कहाँ हो यार? चलो मेरे साथ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। क्यों? खिला पिला के लात मारने को दूसरा नहीं मिला क्या? कैसी बात कर रहे हो? मुझ जैसे दोस्त बात मार सकते हैं मगर कभी लात नहीं मार सकते। आओ मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे पहुंचाना है भाई। चलो मेरे। अरे मैं तुम्हें मेरे साथ चलना। अरे मुझे पहुंचाना यार। नहीं ये क्या है? ये मेरी तकदीर है। ये ऐसी फटी हुई तकदीर? हाँ? फेंको इसे। आज से तुम्हारी तकदीर ये है, मर्सिडीज। अरे क्या हुआ? चक्कर आ गया? खाना नहीं खाया होगा ना? मेरा गरीब दोस्त, मैं खाना खिलाऊंगा तुम्हें। इज्जत, ऐसी इज्जत इस बार मिलेगी कि तुम भी याद करोगे। मैं एक मिनट अभी जाऊं। चलो भाई बैठो। मेरी पोटली गरीब दोस्त, मेरे भाई। अरे साहब जी वो मेरी वो अमा गठरी को छोड़ो। वो क्या कहते हैं कि तेरी गठरी पर लगा कुत्ता मुसाफिर जाग जाओ। आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार से नहीं आ रहे हो इसीलिए खींच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो मेरे गरीब दोस्त? मैं सोच रहा हूँ कि अभी कितने प्यार से पेश आ रहे हैं आप, और सुबह मुझे नफरत से लात मार के बाहर निकाल देंगे। तुम्हें गलत फहमी हो गई है मेरे भाई। मैं सिर्फ अपने दुश्मनों को लात मारता हूँ, दोस्तों को नहीं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं पीता। पाले कोई रोग नादा जिंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे जिंदगी कटती नहीं। चल ना तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर, मैं जानता हूं तू सुबह मुझे लात मार कर निकालेगा। वाह वाह, ये कहां गया? हद हो गई। निहायत ही आजाद, बैराग किस्म के कोहिनूर लगते हो यार। उड़न खटोले में लेट जाओ गोपी, गोपी सुबह उठना तो राम और शाम बन के उठना। लेट जाओ मेरे यार। आप कहाँ सोएंगे? आपके कदमों में मेरे गरीब दोस्त, आपके पैरों के नीचे, आपके चप्पल के पास। ओके चाहे कोई मुझे जंगली कहे और चाहे कोई मुझे जंगली ऊपर नहीं मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे फैयाज, गोविंद, गुलाम हसन भाई, संतोष, परवीन, हमीद, चलिए हेलो, ये पकड़ो। रात के उठने से पहले ये सब गटर में जाके फेंक दो। एक बाटली घर में नहीं चाहिए। सब जल्दी निकलो, जल्दी चलो। हाँ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। गिर गया।